शिक्षा ही है उज्जवल भविष्य का आधार। अपने बच्चों को दे सही दिशा, आज ही एडमिशन कराएं कालपी का सबसे विश्वसनीय स्कूल दयानंद बाल विद्या मंदिर। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, जहां बच्चों को मिलता है बेहतरीन वातावरण, यहां हम उनके मानसिक विकास के साथ उनके शारीरिक विकास पर भी देते हैं विशेष ध्यान। दयानंद बाल विद्या मंदिर कालपी जालौन। प्रदेश सरकार द्वारा आज लखनऊ में एक जिला एक उत्पाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए और इसका प्रशासन प्रत्येक जनपद में किया गया, जिसमें सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री शामिल हुए। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए गए एक जिला के उत्पाद को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया और यह पहला राज्य हो गया है जिसे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने स्वयं शुरू किया है। इसके लागू होने से अब जनपद के उन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जो वहां की खास विशेषताएं रखते हैं। कारागर मंत्री ने इस कार्यक्रम के बाद जनपद के 45 उद्यमियों को टूल किट बांटी जिससे वह अपना व्यापार कर सके। इस कार्यक्रम के बाद कारागर मंत्री ने डकोर विकास खंड के ग्राम बोहतपुरा में जन चौपाल लगाई और वहां पर स्वच्छता के बारे में संदेश दिया। साथ ही बोहतपुरा में प्रधानमंत्री आवास के तहत 10 पात्र लोगों को घर की चाबियां प्रदान की गई। इसके अलावा 15 लोगों को शौचालय निर्माण के लिए पहली किस्त चेक के रूप में अदा की गई। आपको बता दें कि बोहतपुरा में कुल 383 परिवार हैं, जिसमें 132 परिवारों ने शौचालय स्वयं निर्माण करा लिया है और 251 परिवारों को शौचालय के लिए सरकार से अनुदान मिला है। साथ ही आज मंत्री ने बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पेट के कीड़े मारने वाली दवा भी दी जिससे बच्चे स्वस्थ रहें और उनका विकास हो। बाद में मंत्री जी ने बताया कि आज एक जिला एक उत्पाद के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उद्यमियों को इसकी जानकारी दी गई और स्वच्छता संदेश दिया गया है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास की चाबी और शौचालय निर्माण की चेक दी गई। देखिए, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम में आज लखनऊ में देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी आए हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय और सभी लोग लखनऊ में आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम के लिए हम लोग हुए। उसके तहत विकास भवन में 2 घंटे तक वो कार्यक्रम चला। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए बदौतपुरा गांव में आज हम लोग आए हुए हैं और यहां पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है और इस गांव को ODF के करने के लिए यहां के लोगों को प्रेरणा देने और उनको संदेश देने आए थे कि अगर आप लोग सभी लोग शौचालय का उपयोग करेंगे तो स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसके तहत ये कार्यक्रम था, उसी के लिए आज हम लोग देखिए आज हम लोगों ने कहा यहाँ की बहनों से कि अगर रक्षाबंधन आए तो रक्षाबंधन में अगर जिस घर में शौचालय न हो तो आज रक्षाबंधन को अपने भाई का बहिष्कार करो और कहो कि हम राखी तभी बनाएंगे जब आप शौचालय बनवाओगे। न्यूज़ बीके के लिए जालौन से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।